हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सनी ड्राइव जोन में और मेरा नाम है सनी। तो भाई आप लोग मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अच्छी लग रही है तो भाई बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, और जो न्यू है चैनल पे वो भाई सब्सक्राइब कर दो। देखो आज की वीडियो होने वाली है, मैं बिल्कुल बताऊँगा कि बिना टेप मार्किंग के आप जजमेंट कैसे कर सकते हो। उसके लिए भी तीन ट्रिक है मेरे पास, तीनों में से कुछ भी फॉलो कर लेना, आप जजमेंट किसी भी गाड़ी में कर पाओगे। कोई भी हो, एसयूवी हो, सेडान हो, हैचबैक हो, सब में काम करता है ये जजमेंट। ठीक है, मोस्टली अब देखो पहली चीज़, आप लेफ्ट और राइट का जजमेंट बिना टेप मार्किंग के कैसे करेंगे, पहली ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये दिख रहा है आपको वाइपर, हर गाड़ी में होता है वाइपर। ठीक है, राइट साइड वाला वाइपर है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है आपको, बिंदी सी है बिल्कुल ये, जिससे कि वाइपर हमारा ऐसे मूव करता है। ठीक है, इसको आप राइट का जजमेंट कंसीडर कर सकते हैं। गाड़ी कोई भी हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चला के मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी। एक ये जो आपका जो वाइपर है, ये जो वाइपर ब्लेड आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका जो ये उठा हुआ भाग है हर गाड़ी में होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका वाइपर अटैच होता है, तो ये भाग हर गाड़ी में आपको मिलेगा। ठीक है, इसको आप लेफ्ट जजमेंट कंसीडर कर सकते हो इजीली। ये हो गया राइट जजमेंट, अब इसके बेस पे आप गाड़ी चला सकते हो कोई भी। ठीक है, बस आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्किंग नहीं कर रहे हो इसलिए आपको ज़्यादा फोकस करके गाड़ी निकालनी पड़ेगी इसके थ्रू। ठीक है, तो चलो चल के देखते हैं कि जजमेंट हम लेंगे कैसे। ठीक है, मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, तो भाई वीडियो को करते हैं शुरू। पट्टी तो मिल गई आपको, लेफ्ट टायर मिल गया जजमेंट एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखो आगे से, अब आपको ये गाड़ी निकालनी है, हल्का सा लेफ्ट करो, गाड़ी आपकी इजीली निकल जाएगी। ठीक है, अब आगे एक और गाड़ी खड़ी है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इससे। ये एक्चुअली दूर के जजमेंट के लिए यूज़ करेंगे, पास के जजमेंट के लिए मत यूज़ करना इसको। ठीक है, फिलहाल मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको कि लेफ्ट टायर मेरा कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो आप जजमेंट देख सकते हैं इससे। चलो आगे चलते हैं, अब देखो तेज गाड़ी चल रही है, ये आपका बक्कल है, बक्कल को बचाओ, हॉर्न दो, अंकल लेफ्ट में निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये बाहर हो गई, इससे निकल सकते हो। अब ये साइकिल चल रही है, इसको निकालते हैं। देखो बाहर करो, हल्का सा राइट करो, निकल गए, कोई भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, और राइट साइड के लिए देखो गाड़ी खड़ी है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है, देखो बक्कल, ओ भाई ये बक्कल देखो। अब ये गाड़ी जा रही है, ये देखो इजीली निकल जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है जी, तो भाई ऐसे आपको इस ट्रिक से जजमेंट लेना है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपको डीपली देखना है लेफ्ट राइट जजमेंट की वीडियो, बहुत वीडियोस बनाई हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी, आप देख लेना यार। ठीक है, अब मैं सेकंड वाला पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, सेकंड वाली ट्रिक क्या होगी, अब आप कहेंगे भाई दूर का जजमेंट तो हो गया, चलो ध्यान भी रख लेंगे, इसके थ्रू हम गाड़ी चला लेंगे इजीली। ठीक है, अब पास के जजमेंट का क्या, जो आप हर वीडियो में सेफ पॉइंट बताते हो, बिना मार्किंग के सेफ पॉइंट हमें कैसे पता गाड़ी का कौन सा है, तो भाई उसके लिए भी ट्रिक है, ये ट्रिक फॉलो कर लेना, आपको लेफ्ट वाला पॉइंट पता लग जाएगा। ठीक है, ये जो अब मैं रोक के थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वीडियो में बने रहना दोस्तों एंड तक, तीसरी ट्रिक भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो ये वाइपर जो है आपका, जो भी वाइपर से आप जजमेंट ले रहे हो, इसी वाले वाइपर का जो ख़त्म होने वाला पार्ट है ना, ये आपको दिख रहा है, बस 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 यही आपको मार्क करना है, यही आपका सेफ पॉइंट है, इसको ध्यान में आपको रखना है, समझ गए, इसको ध्यान में रखो, ये आपका सेफ पॉइंट है। कैसे चलेंगे, आपके सामने लेफ्ट वाला टायर विजिबल है। ठीक है, चलो चल के दिखाता हूँ, ये गाड़ी खड़ी है ना, इस गाड़ी से ही जजमेंट ले लेते हैं, चलो सेफ पॉइंट का।
मैंने कौन सा सेफ पॉइंट माना, बस ये है कि आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अभी देखो मैं सीधी ले जाऊंगा ना, ये मेरा मिडल पॉइंट चल रहा है, यहाँ पे मेरा लेफ्ट टायर चल रहा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें अपना ORVM भी निकालना है और लेफ्ट टायर भी निकालना है। तो ये वाला जो वाइपर खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, अगर आपको विजिबल है प्रॉपरली, आपकी खुद की गाड़ी में आपको विजिबल होगा अच्छे से, तो आप देख सकते हो। अब देखो ये वाला पॉइंट निकालूंगा ना, गाड़ी इजिली सेफली निकल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई ऐसे आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है जी। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ट्रक खड़ा है, अब देखो मिडल पॉइंट और उसमें डिफरेंस क्या है। ये देखो मिडल निकालूंगा, गाड़ी मेरी लग रही है, मुझे क्या निकालना है, सेफ पॉइंट निकालना है, ये वाला वाइपर जहाँ खत्म हो रहा है निकल गया, गाड़ी भी मेरी निकल गई। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल मेरे पास बहुत है, टेंशन मत लो, ठीक है। ये गाड़ी खड़ी है, मिडल पॉइंट निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको मोड़ के ही रखना है स्टेयरिंग को, ठीक है। ये पॉइंट निकल गया, अब आप सीधी कर सकते हो, अभी भी हल्की सी आपको मोड़नी पड़ेगी। देखो सीधी कर ली, गाड़ी निकल गई, यहाँ भी सेफ पॉइंट देखो, क्योंकि ये वाला पॉइंट काम आएगा आपका, भीड़ भाड़ जाम गलियों में चल रहे हो, पास में कोई ऑब्जेक्ट है उसके काम आएगा बिल्कुल। तो ये दो ट्रिक तो हो गई, ठीक है। अब आप देख लेना भाई दोनों में से कौन सी आपके यूज़ की है। तीसरी ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है। तीसरी ट्रिक तो भाई चलो बात करते हैं आगे, आपको क्या करना है। तीसरी स्ट्रिंग पे आपको स्टेयरिंग को सीधा करना है और आपको हाथ से ऐसे पॉइंट ले जाना स्ट्रेट, ये आपका 3, ये 9 पे आपको रखना है। ये आपका जजमेंट हो जाएगा लेफ्ट और राइट का, लेकिन ये आपको ना सपोज करके चलना पड़ेगा, यानी कि सोच के चलना पड़ेगा। आप जैसे ऐसे बैठे हैं, स्टेयरिंग आपको पूरा विजिबल है, तो आपको एक लाइन सोचनी पड़ेगी ऐसे कि ये आपका जजमेंट है और यहाँ से ये आपका जजमेंट है, ठीक है। एग्जैक्टली वही बी मिडल में ही जा रहा है जो मैंने पहले बताया था। तो ये तीसरा पॉइंट है, इससे भी आप जजमेंट ले सकते हो। चलो देखते हैं कैसे लेंगे स्टेयरिंग से जजमेंट, ठीक है। इन ये दो पॉइंट मैंने ऐसे ही मार्क कर दिए हैं, अगर आप नहीं करना आप मत करो, ठीक है। स्टेयरिंग से देख रहा हूँ ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, निकल गई, ठीक है। स्टेयरिंग से देख रहा हूँ ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, निकल गई। यहाँ पे देख रहा हूँ स्टेयरिंग से ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ध्यान से देखो गाड़ी निकल गई है, ठीक है। वैसे ही राइट का भी जजमेंट लेंगे ऐसे करके, लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग में आपको ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर और भाई देखो चौथा पॉइंट भी बता सकता हूँ, चौथा पॉइंट ये, आप प्रैक्टिस करो। मैंने ये कोई भी टेप मार्किंग करके गाड़ी चलाना नहीं सीखा, तो बिना टेप के भी आपको जजमेंट आ जाता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। मुझे एटलीस्ट 1 साल लग गया प्रॉपर जजमेंट सीखने में। तो अगर आपको भाई जजमेंट प्रॉपरली सीखना है, जल्दी सीखना है, तो ये ट्रिक्स आप आजमा लेना, ठीक है। जल्दी सीख जाओगे, हो सकता है 3 महीने में आपका जजमेंट अच्छा हो जाए, 2 महीने में, लेकिन इंस्टेंट नहीं हो पाएगा अगर आप टेप मार्किंग नहीं करोगे। उसके लिए आपको टेप मार्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन किसी की गाड़ी बाई चांस आपको चलानी पड़ रही है तो वाइपर को आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सेफ पॉइंट मैंने बता दिया वाइपर का एंड, और तीसरा जो है स्टेयरिंग से जजमेंट, ये 3 चीज़ आपको गाड़ी का जजमेंट प्रॉपरली बता सकती हैं। इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई भी गाड़ी उठा लेना, वहाँ पे वाइपर ब्लेड आपको एग्जैक्टली सेम जगह पे मिलेगा, एक्सेप्ट जिसमें सिंगल वाइपर होता है तो उसमें थोड़ा सा आप देख लेना, जिसमें डबल वाइपर होगा वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगा। अब देखो ये निकल रही है मेरी गाड़ी, अगर मैं सीधा चलाऊंगा तो गाड़ी मेरी निकल जाएगी, आप देखो ना कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पर। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो निकल जाएगी, लेकिन आगे ओवरटेक नहीं कर पाऊंगा इसलिए गाड़ी को स्लो कर दिया। अब मैं उसे बोल रहा हूँ कि भाई तू थोड़ा सा दबा ले या मैं निकल जाऊँ, ठीक है, निकल गया हूँ। तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, सपोज करनी पड़ेगी, आपको दिमाग में अपनी आंखों पे बिठाना पड़ेगा कि हाँ एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, मुझे बस ये चीज़ें देखनी है और गाड़ी मैं निकाल लूँगा। आप निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई वीडियो कैसी लगी, इससे ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी एक कमेंट ज़रूर कर देना, अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी जो कि आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करती हैं। एंड थैंक यू सो मच।